रॉलेट एक्ट 2.0, यह एक संक्षिप्त इतिहास और NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के बारे में जानकारी देता है। भारतीय संविधान में 23 सितंबर 1980 को पदोन्नत किया गया। यह अधिनियम अनगिनत बहसों और विवादास्पद विषयों का विषय रहा है। यह अधिनियम पूरे भारत में फैला हुआ है, इसमें 18 खंड हैं। यह अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा, विदेश के साथ भारत के संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या आपूर्ति के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से अभिन्न करने से रोकने के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। यह करने के लिए आवश्यक है कि समुदाय के लिए आवश्यक सेवाएं। यह अधिनियम किसी विदेशी को अपनी उपस्थिति को नियंत्रित करने या देश से निष्कासित करने की दृष्टि से सरकार को बंदी बनाने की शक्ति भी देता है। अधिनियम को 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत लगभग 3,783 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। यह अधिनियम सरकार को बिना वारंट के लोगों को हिरासत में लेने या संदिग्धों को कानूनी मदद या वकीलों का विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाता है। संबंधित अधिकारी को किसी भी कारण को बताए बिना संदिग्धों को 5 दिन तक कैद में रखने की शक्ति है, जबकि विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 10 से 12 दिन तक की हो सकती है। इसके बाद अधिकारी को आगे बंदी के लिए राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है, लेकिन इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है अगर सरकार को संदिग्ध के खिलाफ नए सबूत मिलते हैं। गिरफ्तारी आदेश जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त अपने संबंधित क्षेत्र अधिकारी के तहत जारी किया जाएगा। कई लोग कहते हैं कि यह अधिनियम दमनकारी रॉलेट अधिनियम के समान है, और यदि नहीं तो और भी बेहतर है। कैब विरोध और डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों आदि पर कोरोना वायरस लॉकडाउन हिंसा के बाद इस अधिनियमों के माध्यम से हाल ही में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। दुर्भाग्य से हम नहीं जानते कि इन लोगों का क्या होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सतर्क भारत, सतर्क हर वक्त।